नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी महाराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव था, वहाँ पर एक गरीब मछुआरा व उसकी पत्नी साथ साथ रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इस कारण मछुआरा व उसकी पत्नी बड़ी चिंतित रहती थी। मछुआरा रोज जाल लेकर नदी पर चला जाता और मछली पकड़कर बाजार में बेचता और अपने दुखी जीवन को जीता। इसी तरह एक दिन वह मछुआरा जाल लेकर नदी पर मछली पकड़ने गया। वह जाल अनेकों बार नदी में डाला, पर दुर्भाग्यवश एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वह उदास होकर घर आने लगा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज ध्यान लगाकर बैठे थे। वह मछुआरा साधु महाराज के पास जाकर बैठ गया। जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली तो पूछे कि पुत्र, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो मछुआरे ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मेरे जीवन में बहुत सारे दुख है। मेरा पहला दुख तो यह है कि आज मेरे जाल में एक भी मछली नहीं पड़ी, जिसको बेचकर बाजार से रोटी का इंतजाम कर सकूं। आज तो गरीबी के कारण भूखा ही सोना पड़ेगा। दूसरा दुख, मेरे कोई संतान नहीं है। इस दुख से मेरी पत्नी हमेशा रोती रहती है। इस पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम्हारे द्वारा मछलियों को मारे जाने से तुम पर जीव हत्या का दोष लगा है। तुम्हारे पाप कर्म अधिक हो गए हैं, जिस वजह से न तुम्हें धन प्राप्त हो पा रहा है और न ही पुत्र योग होने का बन पा रहा है। धर्मराज जी महाराज हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और पापियों को दंड देते हैं। यह सब बातें सुनकर मछुआरा घर आ गया। उसने ब्राह्मण देवता द्वारा कही सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा, आप कल जाकर ब्राह्मण देवता से इस परेशानी का उपाय पूछना, शायद हमारी परेशानी ब्राह्मण देवता दूर कर दे। सुबह होते ही मछुआरा उस ब्राह्मण देवता के पास गया और ब्राह्मण देवता वहीं बैठे थे। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र इतनी सुबह आने का क्या उद्देश्य है? मछुआरा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट करिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र तुम अनेकों जीवों को बहुत ही कष्ट दे रहे हो। अगर तुम्हारी पत्नी उस कष्ट से होकर गुजरे तो शायद धर्मराज जी की बही खाते से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाए। इस पर मछुआरे ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्या करना होगा जिससे मेरे पाप कर्म नष्ट हो जाए? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम पति पत्नी नदी के किनारे में खड़े रहो। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तब तक प्रभु का ध्यान करते खड़े रहो, शायद इससे तुम्हारा पाप कर्म समाप्त हो जाए। मछुआरा घर आकर
सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी तैयार हो जाती है। दोनों पति पत्नी के नदी के पानी में जाकर हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान लगाकर खड़े हो जाते हैं। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल गया, तीसरे दिन उनके शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जैसे मछली तड़पती है वैसे ही वह पति पत्नी भी उस पानी में तड़प रहे थे, लेकिन उनका विश्वास अटल था। उनकी इस तपस्या से उनका पाप का लेखा जोखा खत्म हो गया और पुण्य का लेखा जोखा बढ़ गया। तभी चमत्कार हुआ। वहां पर धर्मराज जी महाराज आए और कहा, तुम्हारी तपस्या से तुम्हारे पाप कट गए हैं। अब तुम सब घर जाओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। ऐसा धर्मराज जी महाराज बोलकर अंतर्धान हो गए। मछुआरा व उसकी पत्नी भी घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर में हीरे मोती भर गए हैं, अन धन के भंडार भर गए हैं। वह दोनों ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको बेचकर खाने की वस्तुएं खरीदी, अच्छा सा घर बनाया, फिर एक दुकान भी रख ली। कुछ महीने बाद उनको एक पुत्र हुआ। मछुआरा व उसकी पत्नी धर्मराज जी महाराज के नित नियम में लग गए। मकर संक्रांति पर धर्मराज जी के नाम से खूब दान पुण्य करते, उद्यापन करते। धर्मराज जी महाराज की कृपा से उनको इस लोक में सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी महाराज, जैसा आपने मछुआरे और उसकी पत्नी पर कृपा करी, वैसे आप अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखे। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज जी महाराज की जय हो।